अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज को शिहाब भाई अपने घर से निकलकर यानी कि केरला से पैदल हज के सफ़र के लिए निकलकर दोस्तों आज को 206 दिन हो गए हैं, यानी कि दोस्तों 206 डेज पूरे मुकम्मल हो चुके हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे तो दोस्तों शिहाब भाई के करंट लाइव लोकेशन क्या है, और दोस्तों शिहाब भाई कहाँ पर मौजूद है, और दोस्तों शिहाब भाई के हवाले से कुछ अपडेट आई हैं क्या। दोस्तों, उन तमाम चीज़ों के बारे में दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों शिहाब भाई के हवाले से ये गुड न्यूज़ भी आई है, तो दोस्तों उन तमाम चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, और दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें, क्योंकि दोस्तों वीडियो को स्किप करेंगे तो आपके मन में कन्फ्यूजन रह जाएगा। जो भी शिहाब भाई के हवाले से जो भी अपडेट होंगी आपके मन में कन्फ्यूजन रहेगा, तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखिएगा। दोस्तों बात करें शिहाब भाई के सफ़र को लेकर, एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ सुनने आ रही है कि शिहाब भाई का सफ़र शुरू हो रहा है। जो शिहाब भाई के भाई हैं दोस्तों अयूब भाई, वो लोग कल ही शिहाब भाई से मिलने के लिए पंजाब आए हैं। तो दोस्तों अब ये सुनकर ये लग रहा है कि अब शिहाब भाई का सफ़र जल्द ही शुरू होगा, क्योंकि दोस्तों वो लोग दिल्ली में थे दोस्तों इतने दिनों से। जो भी शिहाब भाई का गवर्नमेंट प्रोसेस होता है दोस्तों वो लोग कर रहे थे, तो दोस्तों वो लोग अब आ गए हैं। तो दोस्तों इंशाल्लाह उम्मीद है शिहाब भाई को सफ़र जल्द ही शुरू होगा, क्योंकि दोस्तों वो लोगों के चेहरे पे वो खुशी नज़र आ रही है कि अब शिहाब भाई का सफ़र शुरू होगा कह के। तो दोस्तों चंद दिनों पहले शिहाब भाई ने भी ऐसा ही पोस्ट किया था कि दुआ करो मेरा सफ़र जल्द ही शुरू होगा कह के। तो दोस्तों शिहाब भाई ने भी खुद ये कहा था कि अब उनका सफ़र शुरू होगा कह के। तो दोस्तों उम्मीद है इंशाल्लाह शिहाब भाई का सफ़र अब चंद दिनों में ही कभी भी शुरू हो सकता है। तो दोस्तों जो लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे शिहाब भाई का सफ़र के लिए, दोस्तों हम सब के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ यही है कि इंशाल्लाह शिहाब भाई का सफ़र अब इसी वीक में कभी भी शुरू हो सकता है। दोस्तों जो जैसा कि शाही इमाम साहब ने बताया है दोस्तों, शिहाब भाई का सफ़र दिसंबर के एंड तक कभी भी शुरू हो सकता है। इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं दिसंबर के 25-26 के बाद कभी भी शिहाब भाई का सफ़र शुरू हो सकता है। और दोस्तों बात करें शिहाब भाई कहाँ हैं, शिहाब भाई के हवाले से कोई अपडेट नहीं आ रही, शिहाब भाई कुछ क्यों नहीं बोल रहे। तो दोस्तों शिहाब भाई के बात करें शिहाब भाई के करंट लाइव लोकेशन की, तो दोस्तों जैसे कि आप सबको हम हर वीडियो में बताते हैं दोस्तों, शिहाब भाई का करंट लाइव लोकेशन पंजाब स्टेट के अमृतसर डिस्ट्रिक्ट खासा गांव अफिया किड स्कूल में शिहाब भाई रुके हुए हैं। दोस्तों जैसा कि हम सबको पता है शिहाब भाई पिछले 2 महीने से अफिया किड स्कूल में ही रुके हुए हैं। दोस्तों इंशाल्लाह उम्मीद है दोस्तों अब आने वाले दिनों में शिहाब भाई का सफ़र आजकल में कभी भी शुरू हो सकता हूँ, अब वो मुबारक दिन अब दूर नहीं है। दोस्तों शिहाब भाई अपना मुबारक सफ़र शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों जिन लोगों को ये लगता है, अभी भी ये लग रहा है कि शिहाब भाई इंडिया में है या पाकिस्तान में है, तो दोस्तों मैं लोगों को बता दूँ शिहाब भाई अभी भी इंडिया में ही हैं, शिहाब भाई ने अपना सफ़र शुरू नहीं किया है। जैसे ही शिहाब भाई अपना सफ़र शुरू करेंगे इंशाल्लाह हम लोग आपके साथ शेयर करते रहेंगे जो भी अपडेट होंगी। तो दोस्तों जो लोगों को अभी भी ये लग रहा है कि शिहाब भाई पाकिस्तान में लाहौर में हैं, तो दोस्तों ये सब अफवाहें हैं, ये सब झूठ है, इन चीज़ों पर आप लोग यकीन ना करें। दोस्तों जो भी सोशल मीडिया पर आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जो भी अफवाहें फैला रहे हैं दोस्तों, उन वीडियो को आप लोग ना देखें। और दोस्तों जो भी शिहाब भाई के हवाले से अपडेट आएंगी दोस्तों हमारे चैनल पर जेन्युइन इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं। दोस्तों ऐसे ही चैनलों पर आप भरोसा करें दोस्तों, जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाते हैं दोस्तों। और दोस्तों बात करें शिहाब भाई के सफ़र की डेट क्या है, तो दोस्तों इंशाल्लाह अभी तक शिहाब भाई के सफ़र की डेट करार नहीं हुई है। दोस्तों जैसे ही शिहाब भाई के सफ़र की डेट करार होंगी तो इंशाल्लाह हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ लोग सोशल मीडिया पे ये इसका भी अफवाह फैला रहे हैं कि शिहाब भाई की इस डेट के दिन शिहाब भाई अपना सफ़र शुरू करेंगे कह के। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अभी तक किसी को क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं मालूम कि शिहाब भाई का सफ़र किस दिन शुरू होगा। जैसे कि शाही इमाम साहब ने बताया है कि पिछले वीडियो में इंशाल्लाह शिहाब भाई का सफ़र दिसंबर के एंड तक शुरू होगा कह के उन्होंने कहा था दोस्तों। तो दोस्तों उनके बातों पे हमें ये समझ में आता है कि शिहाब भाई का सफ़र दिसंबर के 26 या 27 के बाद कभी भी शुरू हो सकता है। तो दोस्तों उम्मीद है इंशाल्लाह हो सकता होगा। तो दोस्तों इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है कि इन्हीं दिनों में शिहाब भाई का सफ़र शुरू होगा कह के। तो दोस्तों उम्मीद है इंशाल्लाह होगा कह के। तो दोस्तों जो लोग सोशल मीडिया पर अफवाह फैला रहे हैं कि शिहाब भाई इस डेट को अपने निकलेंगे कह के, तो दोस्तों वो तमाम चीज़ें झूठ हैं। दोस्तों इन चीज़ों पर आप लोग यकीन ना करें। और दोस्तों जो लोग नहीं जानते शिहाब भाई को आगे कहाँ कहाँ से गुजरना है, तो दोस्तों मैं फिर से एक बार बता दूं, जो लोग मेरे चैनल पे न्यू व्यूवर्स है, जो न्यू मेरे सब्सक्राइबर्स है दोस्तों, उन लोगों के लिए मैं फिर से एक बार शिहाब भाई के हवाले से ये कहता हूं कि दोस्तों शिहाब भाई को आगे पाकिस्तान से गुजरना है दोस्तों, ईरान से गुजरना है दोस्तों, इराक से गुजरना है दोस्तों, सऊदी अरेबिया तक जाना है दोस्तों। इंशाल्लाह दुआ करते हैं दोस्तों शिहाब भाई का सफ़र आसान हो, हम सब मिलकर शिहाब भाई के हक में दुआ करते हैं और शिहाब भाई के लिए दुआ करते हैं। इंशाल्लाह दोस्तों हम सब मिलकर शिहाब भाई के हक में दुआ करेंगे। और दोस्तों जो भी
शिहाब भाई के हवाले से अपडेट आएंगी दोस्तों, हम लोग आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और दोस्तों जिन लोगों के मन में अभी भी ये डाउट है शिहाब भाई इंडिया में है या पाकिस्तान में है, तो दोस्तों आप सभी को पता चल जाना चाहिए कि शिहाब भाई इंडिया में ही है दोस्तों। जैसे कि मैंने पहले बताया है कि दोस्तों शिहाब भाई के भाई जो अय्यूब भाई है दोस्तों, उन लोगों ने शिहाब भाई के साथ मिलने के लिए दिल्ली से पंजाब तक शिहाब भाई को मिलने आए हैं। तो दोस्तों इंशाल्लाह अब शिहाब भाई का सफर चंद दिनों में शुरू होने वाला है, इसलिए ही वो लोग शिहाब भाई से तमाम लोग सभी लोग मिलने आ रहे हैं दोस्तों। चंद दिनों पहले शिहाब भाई के लिए केरला से कुछ लोग आए थे दोस्तों, शिहाब भाई का सफर शुरू हो रहा है इसलिए ही तमाम लोग शिहाब भाई से मिल रहे हैं। शिहाब भाई का सफर अब कभी भी शुरू हो सकता है दोस्तों। कई सारे लोगों के मन में ये सवाल भी है कि क्या शिहाब भाई अपना सफर शुरू करने पर वहाँ पाकिस्तान में शिहाब भाई को जितना इंडिया में प्यार मिला है दोस्तों वहाँ मिलेगा नहीं? तो दोस्तों इंशाल्लाह उम्मीद है दोस्तों वहाँ पर भी इतना ही प्यार मिलेगा शिहाब भाई। और दोस्तों वहाँ के लोग, पाकिस्तान के लोग शिहाब भाई के वेलकम के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों इंशाल्लाह शिहाब भाई को वहाँ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शिहाब भाई के साथ चलेंगे कह के उम्मीद रखते हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों सोशल मीडिया पर यह बात पता चलती है कि शिहाब भाई के सफ़र को लेकर वहाँ के लोग भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब शिहाब भाई वहाँ पर पहुँचेंगे, उनके मुल्क में शिहाब भाई कब पहुँचेंगे कह के वहाँ के लोग भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो दोस्तों हमें यह बात पता चलती है कि शिहाब भाई को वहाँ पर भी ढेर सारा सपोर्ट और बहुत सारा प्यार मिलेगा कह के। तो दोस्तों इंशाल्लाह शिहाब भाई के लिए हम सब दुआ करते हैं दोस्तों। और दोस्तों शिहाब भाई जहाँ से भी जाए हर लोग उनको सपोर्ट ही कर रहे हैं दोस्तों, चाहे मुसलमान हो चाहे वो गैर मुसलमान हो दोस्तों, हर लोग उनको शिहाब भाई को सपोर्ट ही कर रहे हैं। शिहाब भाई को दोस्तों मुसलमान ही नहीं दोस्तों, गैर मुसलमान भाई लोग भी शिहाब भाई को जहाँ से भी गुजर रहे शिहाब भाई को बहुत सारा सपोर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों ये बात हमें सबको पता चलती है कि शिहाब भाई को चाहने वालों को दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों जहाँ भी जाए शिहाब भाई को लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। और दोस्तों शिहाब भाई के लिए जहाँ भी जाए लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि शिहाब भाई कब आएंगे कह के। तो दोस्तों शिहाब भाई की फॉलोवर्स फैन फॉलोइंग दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। तो दोस्तों इंशाल्लाह उम्मीद है शिहाब भाई का जो भी टारगेट कर उन्होंने घर से निकले थे दोस्तों, हम सब मिलकर शिहाब भाई के लिए दुआ करते हैं और अल्लाह उनका पैदल हज कबूल करें कह के भी हम सब दुआ करते हैं दोस्तों, जो इतनी शिद्दतों इतनी मुश्किलों के साथ अपना सफ़र शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों हम सब मिलकर शिहाब भाई के लिए दुआ करते हैं दोस्त। जो भी इंसान सच्चा दिल करके अपने घर से निकलता है हज के लिए, तो दोस्तों इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला उसकी इबरत फरमाते हैं। तो दोस्तों इंशाल्लाह शिहाब भाई का हज कबूल होगा। हम सब मिलकर दुआ करते हैं दोस्तों कि शिहाब भाई का जो भी टारगेट है दोस्तों अल्लाह करे वो कबूल हो जाए कह के। तो दोस्तों जो भी उनका 2023 का टारगेट है दोस्तों, साल 2023 का पैदल हज का टारगेट है दोस्तों, उसमें कामयाब हो कह के हम सब शिहाब भाई के हक में दुआ करते हैं। और दोस्तों जो भी शिहाब भाई के हवाले से अपडेट आते रहेंगे दोस्तों, हम लोग इसी तरह आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और दोस्तों डेली अपडेट इसलिए देते हैं कि जो भी शिहाब भाई के चाहने वाले हैं दोस्तों वो लोग कंफ्यूज ना हो सके, इसलिए डेली अपडेट्स आप लोगों को पहुंचाते हैं दोस्तों शिहाब भाई के हवाले। जैसे ही हम लोगों को शिहाब भाई की आगे की इन्फॉर्मेशन मालूम होते रहेंगी तो दोस्तों हम लोग आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो दोस्तों शिहाब भाई अपनी प्रैक्टिस जारी रखे हैं, जैसे ही शिहाब भाई का सफ़र शुरू होगा उनका टारगेट को रीच करने के लिए शिहाब भाई अपनी प्रैक्टिस जारी रखे हैं। तो दोस्तों जैसे ही शिहाब भाई का सफ़र शुरू होगा इंशाल्लाह वो अपने टारगेट को रीच करने के लिए डेली 20-25 किलोमीटर तक चल रहे हैं। तो दोस्तों आगे के सफ़र में शिहाब भाई को थोड़ी सी मुश्किल होगी, क्योंकि दोस्तों वो डेली इंडिया में 20-25 किलोमीटर चलते थे दोस्तों, आगे उनके 2023 का टारगेट रीच करने के लिए 30-35 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो दोस्तों इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शिहाब भाई वो भी चल देंगे, क्योंकि दोस्तों शिहाब भाई के दिल में जो भी जुनून है अल्लाह के घर को पैदल चलकर जाना, तो दोस्तों वो हम सबको नज़र आता है। क्योंकि दोस्तों 2 महीनों से जो आफियाकेट स्कूल में रुककर भी तमाम काम कर रहे हैं, तो दोस्तों ये जुनून शिहाब भाई में नज़र आता है। तो दोस्तों इंशाल्लाह शिहाब भाई आगे 30-40 किलोमीटर एक दिन में चल लेंगे। तो दोस्तों हम सबको ये समझ में आता है कि शिहाब भाई में ढेर सारा जुनून के साथ साथ ढेर सारी हिम्मत भी है दोस्तों, हौसला भी है दोस्तों। तो दोस्तों हम सबको शिहाब भाई के हक में दुआ करना चाहिए। दोस्तों जैसे ही शिहाब भाई के रिलेटेड कोई अपडेट आती रहेंगे हम लोग आपके साथ शेयर करते रहेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखें, अपना और अपनों का ख्याल रखें।